वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डर्मा शाइन फेशियल किट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसको यूज़ किया, 3 से 4 दफ़ा मैं इसको यूज़ कर चुकी हूं, मुझे किस तरीके का इसका रिजल्ट मिला, मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का रहा। डर्मा शाइन फेशियल किट के बारे में तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं वन बाय वन पूरा फेशियल आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगी कि ये डर्मा शाइन के जो फेशियल किट है, वाइटनिंग फेशियल किट, इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके प्राइस वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को जो है वीडियो पूरी देखनी है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है डर्मा शाइन वाइटनिंग फेशियल किट की आप लोगों को मिल सके। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डर्मा शाइन क्लींजर की, जो प्रोफेशनल जेंटली रिमूवर मेकअप एंड क्लींस योर फेस। ठीक है, ये आपके मेकअप को भी बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है और आपके स्किन को भी जो है वो क्लीन करता है। और ये एक प्रोफेशनल जो है क्लींजर है, तो मैं इसको आपको यूज करके दिखाती हूँ कि हम इसको यूज करेंगे और इसका हमें किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। आप देख सकते हैं कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और इस ट्यूब के अंदर हमें 200 ml जो है इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, और ये वाइटनिंग डीप क्लींजर है, यानी कि ये क्लींजर जो है आपकी स्किन को वाइटनिंग भी फ्राहम करता है। जब इसको आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं या वीक में 2 से 3 दफा यूज करते हैं, जब आपको क्लींजिंग की जरूरत हो, तो ये आपके फेस के ऊपर जो है वाइटनिंग भी फ्राहम करता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ शामिल किए गए हैं। इसके अंदर प्योरीफाइड वाटर मौजूद है, ग्लिसरीन मौजूद है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मौजूद है, सेट्रिक मेडिका इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर पेपरमेंट लीफ एक्सट्रैक्ट मौजूद है, इसके अंदर क्विक प्रेल कार्बोमेंट माइक्रो स्क्रब इसके अंदर मौजूद है, तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। उसको किस तरीके से यूज करना है, तमाम इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है यहाँ पे इसकी मेंशन की गई है। ठीक है, और इसके अंदर एक्सपायरी भी जो है यहाँ मेंशन की गई है कि 2023 तक की जो है इसकी एक्सपायरी। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त गुड इसका पॉइंट है। जी फ्रेंड्स, तो हम डर्मा शाइन क्लींजर से अपने फेस की जो है वो क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करने से पहले आप अपने फेस को जो वो बहुत अच्छी तरीके से वेट कर लीजिए। वेट के लिए अगर आप रोज़ वाटर यूज़ करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो लेकर आता है। उसके बाद हम क्लींजर जो है वो यूज़ करेंगे। क्लींजर की कंसिस्टेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा रनी है, थिक फॉर्म के अंदर नहीं है। तो जितनी आपको रिक्वायर हो उतना आप क्लींजर लेके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए और 4 से 5 मिनट तक आप अपने फेस की बहुत अच्छी तरीके से क्लींजिंग कीजिए, ताकि अगर आपके फेस के ऊपर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी वगैरह है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए और आपका फेस जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए, मेकअप वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से क्लींजिंग कर लूँगी। सब आप देख सकते हैं कि मेरी जो क्लींजिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसको जो है अच्छी तरीके से जो है इसको रिमूव कर दूँगी। आप इसको वॉश कर सकते हैं बाथरूम में जाके, लेकिन मैं स्पंज की मदद से ही इसको यहाँ पर साफ करके मैं आपको दिखाऊँगी। मेकअप वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो उससे से बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट वगैरह है वो बहुत अच्छी तरीके से इससे रिमूव हो जाएगी। तो सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पे स्क्रब की, जो कि डर्मा शाइन वालों का हर्बल वाइटनिंग फार्मूला लाइटनिंग फेस स्क्रब है। ऑल स्किन टाइप वालों के लिए 200 ml की बोतल में आपको मिल जाता है। जेंटली एक्सफोलिएट टू स्मूथ रेडियंट स्किन, आपकी स्किन को जो है ये जेंटली स्क्रब करता है और आपकी स्किन के ऊपर एकदम रेडियंट ग्लो लेकर आता है। ठीक है, ये भी वाइटनिंग स्क्रब है और ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। तमाम इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है इसके अंदर मेंशन किए गए हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो मौजूद है, और इसके ऊपर भी एक्सपायरी जो है इसकी मेंशन की गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि ये स्क्रब किस तरीके का है और ये हमें किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो सेकेंड स्टेप पे हम स्क्रब जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने फेस को जो है अच्छी तरीके से वेट कर लेंगे। मैं रोज़ वाटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ वाटर जो है आपके फेस को बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो लेकर आता है। तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। और जितनी हमें ज़रूरत है उतने हम स्क्रब जो है यहाँ पर ले लेंगे। आपको दिखाऊँ कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बारीक हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, क्योंकि पहले जो स्क्रब आते थे उसमें आप देखते थे कि बहुत ज़्यादा जो है मोटे मोटे जो होते थे वो उसके पार्टिकल्स वगैरह होते थे जो हमारी स्किन को डैमेज कर देते, लेकिन इसकी ख़ास बात है कि इसके अंदर जो बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन को जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। और उसकी स्मेल इतनी अच्छी है, फ्रूटी इसकी स्मेल है,
जी सर, जब ये स्क्रब आप यूज़ करेंगे तो आपको इतना ठंडक का एहसास होगा। इस वक्त मेरे फेस के ऊपर जो इतनी कूलिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त, यानी कि मुझे इस वक्त फील हो रहा है बहुत फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं स्क्रब कर रही हूँ तो मेरी स्किन जो वो बहुत ज़्यादा यानी कि कूल हो रही, ठंडक ऐसी इसके अंदर से आपको मिलेगी। जी फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट्स जो हैं मुझे स्क्रब करते हुए हो गया, मैं अपने फेस को जो वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँ। जी दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर डर्माशाइन वालों की मसाज की, मसाज क्रीम की। यहाँ पे देख सकते हैं वाइटनिंग मसाज क्रीम है, ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, प्रोफेशनल एक्सपा एंड सलून फार्मूले के तहत है, यानी कि ये सलून वगैरह में जो है यूज़ की जाती है ऑल स्किन टाइप वालों के लिए। इसकी भी अगर आप क्वांटिटी देखें तो यहाँ पे 200 ग्राम यानी कि दी गई है। ये वर्क डीप टू लाइटिंग द स्किन, ये आपकी स्किन को डीपली जाके लाइट करती है, ठीक है, और जेंटली एक्सफोलिएट भी करती है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से मसाज करती है, ठीक है। पीछे अगर आप बात की जाए तो इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मौजूद है और एक्सपायरी भी इसके अंदर शो की गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर पे इसको देखते हैं कि हमें किस तरीके का रिजल्ट है, क्योंकि अब हम अपना जो मसाज क्रीम है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मसाज क्रीम जो है वो ले ली है और ये थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है, यानी कि ये रनी नहीं है, थोड़ा से थिक फार्मूले के अंदर है, ठीक है। हम अपने फेस को इसको अप्लाई कर लेंगे। इसकी भी स्मेल जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग देख सकते हैं मसाज भी हुआ, मैं अपने फेस का बहुत अच्छी तरीके से कर चुकी हूँ और ऑफ कैमरा से मैंने पूरे 10 मिनट्स जो है अपने फेस का अच्छी तरीके से मसाज किया, क्योंकि जब आप मसाज करते हैं इससे आपका जो ब्लड है उसका सर्कुलर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो फेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ग्लो आता है, ठीक है। तो आपको 10 मिनट तो हार्डली मसाज करना ही करना है, तो मैंने पूरे 10 मिनट्स जो है इसका मसाज अच्छी तरीके से कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। जी दोस्तों, इसके बाद हम जो अप्लाई करेंगे वो हम वाइटनिंग डर्माशाइन वालों का स्किन पॉलिशर जो है वो यूज़ करेंगे। ये भी प्रोफेशनल रिफ्रेश द क्लियर कॉम्प्लेक्शन, यानी कि ये आपके कॉम्प्लेक्शन जो है वो क्लियर करता है, फ्रेश करता है ऑल स्किन टाइप वालों के लिए। ये ट्यूब भी आपको जो है 200 ग्राम के अंदर मिल जाती है और न्यू फार्मूले के तहत जो है इसको इम्प्रूव करके यानी कि बनाया गया है, और मिक्स इसके अंदर फ्रूट है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिक्स फ्रूट जो है वो इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश करेंगे, आपके कॉम्प्लेक्शन को जो है ये लाइट करेंगे। पीछे बात की जाए इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसको किस तरीके से यूज़ करना है तमाम इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। चलिए तो अब हम जो स्किन पॉलिश है वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, और इसको अप्लाई करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसका मसाज करेंगे, और 5 मिनट के लिए हम अपने फेस के ऊपर इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, ताकि स्किन पॉलिश का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको अपने हैंड के ऊपर निकालूँगी, ये थोड़ा सा रनी टाइप का, जिस तरीके से हमारा क्लिंजर था थोड़ा सा रनी उस टाइप का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थिक बेस के अंदर नहीं है, थोड़ा सा रनी है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही माइल्ड किस्म के हैं, बहुत बारीक बारीक से हैं, ठीक है। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से मसाज करूँगी। फ्रेंड, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं 3 से 4 मिनट जो बहुत अच्छी तरीके से स्किन पॉलिश का मसाज जो है वो कर चुकी हूँ। अब हम इसको 5 मिनट के लिए एज इट इज़ अपने फेस के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्क कर सके और हमारे स्किन के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पॉलिशर हो जाए, यानी कि रेड एंड ग्लो भी आए, ठीक है। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ और मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। अब आप लोग देख सकते हैं ये पॉलिशर जो है हमारा हल्का हल्का सा जो है वो ड्राई भी हो चुका है। अब मैं इसको रिमूव कर लूँगी पफ की मदद से। फ्रेंड्स, तो लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे डर्मा शाइन स्किन हाइड्रेटेड फेशियल मास्क का, यानी कि ये अगर मास्क आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहती है, प्रोफेशनल तौर पर यानी कि सलून वगैरह में यूज किया जाता है ऑल स्किन टाइप वालों के लिए, और वॉश ऑफ फार्मूला, यानी कि ये वो फार्मूला है, यानी कि ये पील ऑफ मास्क नहीं है, इसको जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपको इसको वॉश आउट करना होगा, ठीक है। बात की जाए इसकी इंग्रेडिएंट्स की, तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसको किस तरीके से यूज करना है तमाम डायरेक्शंस वगैरह जो है यहाँ मेंशन की गई है, ठीक है। हम अपना लास्ट स्टेप जो है मास्क का वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, अपने फेस के ऊपर। हम इसको आप चाहें तो इसको ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अपने फिंगर के हेल्प से ही इसको अप्लाई करूँगा, और आप देख सकते हैं कि बहुत थिक कंसिस्टेंसी के अंदर है। जी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने फुल फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर चुकी हूँ, और हम इसको वेट करेंगे जब तक ये ड्राई हो जाता है।
जी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये फुली जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको जो है आपको स्पंज की मदद से साफ़ करके दिखा देती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा इसको एकदम ड्राई नहीं करना है, जब ये सेमी ड्राई हो जाए तो आप इसको वॉश आउट कर दीजिए। दोस्तों, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, मैंने लाइव आप लोगों को करके दिखाया है कि कितना ज़बरदस्त स्टैंड जो है वाइटनिंग फेस के ऊपर आई है। अगर आप लोगों को कहीं जाना है शादी में, पार्टी में या किसी भी इवेंट के ऊपर, तो आप इस स्पेशल किट को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि ये ऑल स्किन टाइप वाले के लिए है। आपकी स्किन किसी भी किस्म की हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, तो आप जो है इस फेशियल किट को यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने लाइव आपके सामने इसको करके दिखाया है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो जो है वो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।